दोस्तों, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ। इस वक्त मैं इंडिया से बोल रहा हूँ और मेरे साथ जुड़े हुए मेरे मेहमान अरबाब हुसैन, ये वैंकूवर में हैं और वैंकूवर से अपनी दास्तान बताना चाहते हैं, कैसे इनका स्टडी वीज़ा लगा और देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड देन वी गेट टू लर्न समथिंग न्यू। अरबाब, वेलकम टू द डिस्कशन। पहले बताए आप कहाँ पर हैं वैंकूवर में आप? जी सर, मैं वैंकूवर में, मेरा जो एकोमोडेशन है, आई लिव इन बर्नबी। बर्नबी में है। और आप इनिशियली पाकिस्तान से हैं, यहाँ पर कैसे पहुँचे, कब पहुँचे यहाँ पर कनाडा? एक्चुअली यस, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान से हूँ और आई हैड बीन वर्किंग इन सऊदी अरेबिया सिंस 2012। एक्चुअली आई वेंट देयर at the beginning. ब्रदर, आप उर्दू बोले प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। उर्दू बोले क्योंकि हम इंग्लिश बोल बोल के थक जाते हैं हम लोग। वो सुनने वाले भी काफी जो पाकिस्तान में सुन रहे होंगे वो कहेंगे भाई जान आप उर्दू तो बोले एटलीस्ट ना। जी, तो मैं 2012 के स्टार्ट में ही सऊदी अरब गया था जी। तो वहां पर मैंने एक साल एज अ फ्रीलांसर काम किया जी। प्रोफेशनली मैं एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैं ACCA किया है मैंने। देन सऊदी अरब में आफ्टर वन ईयर एज अ फ्रीलांसर मैंने एक कंपनी ज्वाइन की। बेसिकली मैंने अराउंड 3 डिफरेंट कंपनीज के साथ काम किया सऊदी अरब में इन 10 ईयर्स में। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स मैंने वहां पर जॉब की। किस चीज की जॉब करते थे आप? जॉब में मतलब क्या जॉब थी, एज अकाउंटेंट, ऑडिटर वगैरह, क्या क्या थे आप? मेरा इन जॉब अकाउंट्स में ही था, फील्ड से रिलेटेड जॉब। अगर आप बुरा ना माने तो ये बता सकते हैं, अगर आप ना बताना चाहे कुछ भी, कितनी तनख्वाह मिलती थी वहां पर सऊदी रियाल में? सऊदी रियाल में सर, आप समझें कि जितनी अकाउंटेंट्स की सैलरी यहाँ पर वैंकूवर में होती है तकरीबन उतनी ही मिलती थी। ओके, मतलब कि जो डॉलर के टर्म्स में जितनी है वहाँ उतनी वहाँ भी मिलती थी? वहाँ भी इतनी ही मिलती थी। ठीक है, तो आपने सऊदी से फिर कनाडा जाने को सोचा जैसे स्टडी वीजा पे? इनिशियली मैंने अपना इमिग्रेशन के लिए सोचा। अच्छा, मैंने अपना क्योंकि मैं 30+ हूँ सो इसलिए मुझे कुछ पॉइंट्स लूज हुई जो एज फैक्टर की वजह से जी। एंड सेकंड प्रॉब्लम जो था वो ये था कि जब मैंने इवैल्यूएशन कराया WS से तो उन्होंने मुझे अपने क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट 4 इयर्स बैचलर दिया। नहीं चलो, वो मैं समझ गया, वो चैलेंजेस हैं वो तो चलो एक्सपेक्ट। आप ये बताएं कि आप जो यहाँ पहुंचे हैं आप स्टडी वीजा पे पहुंचे हैं ना? जी, उसके बाद मैंने स्टडी वीजा का सोचा। दैट्स ओके ओके। और तो स्टडी वीजा आपने कैनेडियन एम्बेसी वहां से रियाद से लिया, जद्दा से लिया? मैंने रियाद से अप्लाई, रियाद से लिया। तो आपकी आपकी कई लोग सोचते हैं मिडिल ईस्ट में जो रहते हैं जैसे सऊदी है, UAE है, ओमान वगैरह वगैरह, कई लोग सोचते हैं जो बाहर के लोग हैं, जो बैरूनी मुल्क के लोग, जिस तरह आपके इंडिया के, बांग्लादेश, पाकिस्तानी, ये सब जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो इन लोगों को स्टडी वीज़ा मिलना थोड़ा सा एक चैलेंज है इनके पास, क्योंकि टाइज नहीं होते उस कंट्री में टाइज नहीं, आप पक्के नहीं हैं, आप पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं, तो वहाँ पर वो वीज़ा इतनी जल्दी देते नहीं हैं। तो आपकी एप्लीकेशन में ऐसी कौन सी खासियत थी, क्या लिखा आपने, क्या उसके बारे में बताया कि जिससे स्टडी वीज़ा आपको मिल गया? सर, मेरा माय प्रोफाइल बहुत ही सिंपल था जी। मैंने कोई लंबी चौड़ी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए थे जी। मैंने अपने जो बैंक स्टेटमेंट्स थे वो लगाए जी, जिसमें मेरी सऊदी अरब में जो मेरे बैंक अकाउंट्स थे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस जहां पर मुझे सैलरी बैंक अकाउंट में आती थी जी। और जो मैंने बैंक बैलेंस शो किया था वो मैंने पाकिस्तान के बैंक अकाउंट से शो किया था जी। और बैंक स्टेटमेंट अच्छा खासा था। इट कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल एक्सपेंसेस फॉर द होल प्रोग्राम एंड लिविंग एक्सपेंसेस। सही है। ये बताएं कि पहले भी कंट्री के आपके किसी कंट्री के वीजे लगे हुए थे पहले, या कनाडा पहली बार अप्लाई किया, या अमेरिका या यूरोप या किसी और कंट्री के पहले आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थी? नहीं, ऐसी कोई ट्रैवल हिस्ट्री मेरी नहीं थी। ओके। और यहाँ पर क्या पढ़ने आए आप, क्या मतलब किस कोर्स में एडमिशन लिया आपने यहाँ कनाडा में? मैंने यहाँ पर MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने एडमिशन लिया था। कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं?
और ये है यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट, अच्छा जो वो डाउनटाउन में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डाउनटाउन में है। हाँ मैं निकला हूँ 2-3 बार वहां से, हाईवे से निकला हूँ, मैंने देखा छोटी सी बिल्डिंग में बनी हुई है, इतनी बहुत बड़ी भारी भरकम नहीं, उसकी अभी में। दो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके पास। अच्छा हाँ, ये डाउनटाउन वैंकूवर हाउस जो कैंपस है वो तो अभी जो वेस्ट पेंडर में जो कैंपस है वो अच्छा सिर्फ अच्छा एडमिन पर्पस के लिए यूज होता है अभी। वो एडमिन, अच्छा ठीक है। हाँ, अभी जो इनके पास ये जो डाउनटाउन में दो बिल्डिंग्स हैं, ठीक वैंकूवर हाउस कैंपस जो है, ये तो बहुत बड़ी 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 बिल्डिंग्स हैं दो। अच्छा, तो अच्छा अच्छा प्रोफाइल है आपका, आपने आप अकाउंटेंट हैं पाकिस्तान से, आपके पास 10 साल का तजुर्बा है और नौकरी कर रहे थे जब आपने अप्लाई किया सऊदी में, तनख्वाह भी आपको मोर और लेस उतनी मिल रही थी जो अकाउंटेंट को मिलनी चाहिए, और आपने एमबीए में एडमिशन लिया, और आपको पहले झटके में ही विदाउट एनी इंटरव्यू पॉसिबली आपको वीज़ा कनाडा का मिल गया। हाँ, वीजा मेरा तकरीबन 2 वीक्स में ही लगा था, लेकिन मेरा जो बेसिक इश्यू था जिसकी वजह से मुझे 5 मंथ्स लगे, दैट वाज माय मेडिकल प्रॉब्लम। ओके ओके, चलो वो तो चलो हाँ आपके बस में नहीं है। हाँ हाँ मैं नवंबर 2020 में मैंने अपना प्रोफाइल लॉन्च करने से पहले आई जी वेंट टू पाकिस्तान जी ऑन अ शॉर्ट वेकेशन। जी तो वहाँ पर आई थॉट के चूंकि मेरे पास यहाँ पर टाइम है, मैं वापस सऊदी जाके मैं क्या छुट्टी लूंगा, 1-2 दिन फिर मेडिकल करूंगा, इससे अच्छा है मैं यहाँ पर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ही मेडिकल कर लूँ। जी कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। तो ये बताएं, हाँ, ये बताएं कि आप सिंगल हैं मैरिड हैं, मतलब आपके फैमिली कहाँ है बाकी? फैमिली तो अभी घर पे है लेकिन मैं मैरिड हूँ। हाँ बिल्कुल, अच्छा, तो वो कैसे आएंगे, उनके उनका क्यों नहीं किया आपने साथ में, या उनको उनकी क्या प्लानिंग मैंने है? वहां पर मैं ये सोचा अभी क्योंकि वहां पर वो उस वक्त कोविड भी चल रहा था और मैं उस वक्त सऊदी अरब में था, फ्लाइट्स बंद थी फैमिली के लिए, मैं सऊदी अरब में था, फैमिली पाकिस्तान में थी, फ्लाइट्स बंद थी, आना जाना मुश्किल था, हाँ नहीं आ जा सकते थे। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं या कुछ चीजें हैं तो इसलिए मैंने केस की कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए मैंने फैमिली का नहीं किया, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। बट अभी फैमिली के लिए मैं करूंगा जब अभी मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ। अभी मैं मेरा नेक्स्ट लास्ट टर्म है, मींस ऑलमोस्ट 4 मंथ्स आर लेफ्ट, जी जी फाइव जी मंथ्स फिर तो इंशाल्लाह फिर आपको जॉब भी मिल जाएगी, और फिर तो आप उनको उस बेसिस पे जो स्पाउस डिपेंडेंट उस पे C-41 पे भी कर सकते हो आप, तो फिर तो हाँ थोड़ा सा इजी इजी काम हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं। तो हाँ ये आपने ये बताएं कि आपने ये वीज़ा, कई लोग सोचते हैं मिडिल ईस्ट में या प्रीटी मच एवरीवेयर एक्चुअली, कि भी किसी लॉयर से करवाएं, कंसल्टेंट से करवाएं, तो आपने अकेले अपने आप करने की सोची? मैं आपको पहली बात तो शाबाश देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने अपने आप किया ये। थैंक यू। आपको मतलब कैसे आपको लगा कि हमें अकेले अपने आप इंडिपेंडेंटली कर लेना चाहिए, कैसे आपको मतलब फीलिंग कैसे ये आई है? तो मैंने ऑनेस्टली आपकी वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस भी देख ली थी। अच्छा हाँ, आपने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया जो सक्सेसफुली जो जिन्होंने वीजे अप्लाई किए और उनके वीजे लगे। दैट्स गुड तो आई एम वन ऑफ योर सब्सक्राइबर्स That's good. Hey, I appreciate your और views on this. सेकेंडली ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है नहीं बिल्कुल नहीं, जितना आपको जो पैसे ऐंठने वाले कंसल्टेंट से वो बता रहे होते हैं। जी। इट्स प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्पेसिफिकली मैंने और किसी चीज के लिए तो अप्लाई नहीं किया, लेकिन जब स्टडी वीजा मैंने अप्लाई किया, आपको फॉर्म में जो रिक्वायरमेंट्स हैं थोड़ी सी आपको जो पढ़ना है, जो अटेंशन के साथ पढ़ना है, मींस के फोकस होके पढ़ना है कि फॉर्म में रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि ऐसे कोई गलती। ऐसे पढ़ना है जैसे अकाउंटेंट एक बैलेंस शीट पढ़ता जी, है। सो फोकस होके पढ़ना है कि उसमें आपसे क्या रिक्वायर्ड है, कहाँ पर आपसे साइन रिक्वायर्ड है, कहाँ पर आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, क्या कुछ रिक्वायर्ड है, वो फॉर्म सही से फिल करें और अपने डॉक्यूमेंट सही लगाएं, कोई फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं। मैंने कोई को जो और बेसिक जो मेन चीज है वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है।
स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बता दें, ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपने कैसे ये साबित किया, कैसे प्रूव किया कि आपके जो आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आप जा रहे हैं, जस्टिफाइबल है, आपका रीजनेबल कोर्स है और आप वापस आएंगे, क्या आपने ऐसे कौन से कुछ फार्मूला डाला उसमें? एक तो सर मैंने अपना बैकग्राउंड बताया, एजुकेशनल बैकग्राउंड और वर्क बैकग्राउंड बताया मैंने कि मैं काम कैसे कर रहा हूँ और मुझे ये जो फॉरेन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर मिडिल ईस्ट में, अगर मैं रिटर्न होता हूँ या मैं होम कंट्री में जाता हूँ, तो मैंने अपनी कहानी ये बताई कि मैं जब वहाँ से एजुकेशन कंप्लीट करूँगा मास्टर मीन्स एमबीए, तो मैं यहाँ पर एक दो साल जॉब करके यहाँ मिडिल ईस्ट में, तो उसके बाद मैं अपने होम कंट्री वापस जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है वहाँ पर इन द फील्ड ऑफ कंसल्टेंसी। थोड़ा सा समरी में आपने ये कहा कि पढ़ाई करने के बाद मैं दो साल मिडिल ईस्ट में आके काम करूंगा, उसके बाद पाकिस्तान में जो करना है वो करूंगा, ये आप ये कह रहे हैं? ये मान कैसे गए? वो कोई तो वीजा ऑफिसर मानने को तैयार नहीं है, और जितने भी स्टूडेंट जाते हैं बाहर तो वो तो उनमें से रेयरली, अगर आप वैंकूवर के एरिया में देख लें कितने फॉरेन स्टूडेंट हैं, उनमें से पूछेंगे किसी को वापस जाना तो कोई जाने को तैयार नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप इस तरह से उसको कन्विंस कर सकते हैं क्योंकि मैंने उसके सपोर्ट में कुछ चीजें डॉक्यूमेंट्स, अपने घर के डॉक्यूमेंट्स लगाए थे कि मैंने अपना घर जो बनाया है वो इसलिए बनाया है क्योंकि मैं इतने पैसे खर्च करके घर मैंने बनाया है। अच्छा। वो इसलिए बनाया है कि मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ वापस। क्या बात है। और मैंने कुछ रिसर्च फैक्टर्स जो जो वहां पर हैं कि अगर मैं अपना बिजनेस जिस फील्ड में जो अकाउंट्स एंड कंसल्टेंट्स की जो बिजनेस है जो मैं पाकिस्तान में एस्टेब्लिश करना चाहता हूं, तो उसके सपोर्ट में मैंने कुछ रिसर्च फाइंडिंग रिसर्च की और सॉलिड फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताए उसको कि ये क्यों एक वायबल ऑप्शन है मेरे लिए, एक बेटर ऑप्शन है। बॉस ऐसा है कि आपके आपके लॉजिक से मैं मुतासर हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन लेकिन आपकी रिसर्च की मैं दाद देता हूँ। जो आपने उसमें इसको शरबत को मीठा करने के लिए काफ़ी उसमें शक्कर डाली है, काफ़ी मीठा किया है आपने, काफ़ी रिसर्च करके अपनी बातें जो आपने कही या लिखी होंगी, तो इससे ज़रूर वो वीज़ा ऑफिसर आपसे मुतमईन हो गए होंगे कि हाँ भाई इसमें बंदे में कुछ है, क्योंकि इतनी रिसर्च करके और इतना वेल बैलेंस करके पोर्टफोलियो लेकर कम लोग करते हैं, जहां तक मैंने देखा बहुत कम करते हैं, तो इससे जरूर उनको लगा होगा कि आप इसके वीजा के हकदार हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे बहुत काम किया मैंने, ऑलमोस्ट 10-12 दिन लगाए थे मैंने इसके ऊपर, और मैंने एक एक चीज जो है हर एक एंगल से, जब मैं सेटिस्फाई हुआ तभी मैंने अपने प्रोफाइल लॉन्च की। जी अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ। आपको मैं बता दूं कि शायद आपको भी अब एहसास हो गया होगा कि जो कैनेडियन एम्बेसी है सऊदी में, जो विच इज आई थिंक इन रियाद, वहां से जो अप्रूवल रेट है जो बाहर के लोगों का, जैसे नॉन सऊदी पासपोर्ट का, जैसे इंडिया पाकिस्तानी बांग्लादेशी ऐसे जो लोग हैं, उनका सऊदी से स्टडी वीजा का जो अप्रूवल रेट है, आई वुड से इज हार्डली 25% और मे बी इवन अराउंड दैट, नॉट मोर देन 30%। दैट मींस के 10 में से सिर्फ 2 या 3 एप्लीकेशन पास होंगी। जी जी, इतना ये अप्रूवल स्टैटिस्टिकल रेट है, तो यू आर लकी वन अमंग द अप्रूवल्स। और मैं आपको बधाई देता हूँ, एक बार शाबाश देता हूँ कि आपने एक काम अपने आप किया, और वीडियोस देखकर आपको जो सीखा आपने उससे भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियोस से देखकर ही आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन नॉलेज आ गई, तो इसका मतलब यूट्यूब का भी मैं थैंक यू करता हूँ कि भाई यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से ऐसी किसी का फायदा हो रहा है। आजकल अगर कोई कहे कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, इट मींस ही इज लेजी। ठीक है आप चलो, ये तो बात हो गई सारी आपकी स्टडी वीजा की और सऊदी की और ये सब बात हो गई, जाते जाते मेरे को एक सवाल का जवाब दे जाएं, इफ यू डोंट माइंड, अगर नहीं जवाब देना तो कोई बात नहीं, ना दें, क्योंकि आप फाइनेंस से हो और ऑडिटर हो, इस वक्त पाकिस्तान की माली हालत कैसी है, पैसा उनके पास है कि नहीं है, क्योंकि बार बार वो सऊदी जाते हैं पैसा लेने आते हैं यहाँ से, क्या सिचुएशन चल रही है वहाँ पर?
जी, तो पाकिस्तान की जो सिस्टम है आपको पता है, हाँ, साउथ एशिया में श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हमारा यही बदहाल है हर वक्त। हम जी, इसके हमारे जो करप्शन है हमारे यहाँ हर जगह, तो उसी से जी तंग आ जो हमारी मिडिल क्लास जो हम लोग हैं, तभी हम भागते हैं। जी वो तो तो आपके अभी आपके फाइनेंशियल जो कोई सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है, मींस। अच्छी नहीं है। आपके वजीर हाँ आजम जो उससे पहले थे, उस आपका वजीर आजम कहते थे घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, हाँ और अभी वो ही शायद घबरा रहे हैं। तो ये बताएं कि जैसे अगर सऊदी पाकिस्तान को पैसा देता है, 2 बिलियन 3 बिलियन जो भी देता है पैसा, उसके बदले में उसे मिलता क्या है? उसके बदले में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस डेलीगेशन में नहीं हूँ, अच्छा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलता होगा ना। देयर इज नो फ्री लंच। एब्सोल्युटली, ये आपने बात सही कह दी भाई साहब। मैं तो आपकी जो इस जो आखिरी बयान पे मैं फिदा हो गया। देयर इज नो सच थिंग कॉल फ्री लंच एनीवे इन दिस वर्ल्ड। हाँ ये तो अकाउंटिंग सिस्टम है, जहां डेबिट है वहां क्रेडिट है, क्रेडिट डेबिट है। वहाँ क्रेडिट है, बिल्कुल। हाँ इसको ट्रायल हाँ बैलेंस करके इसको बैलेंस करना ही पड़ेगा, इसको जीरो करना ही पड़ेगा। ये देयर कोई इज नो सच पर्सनल थिंग एज। रिलेशनशिप तो है नहीं जी, जिसमें कोई फेवर हो। जी ये तो बिल्कुल ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स है ना, ये सारी बिल्कुल जी 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 कहीं इंटरेस्ट के ऊपर ना चलती। कहीं ना कहीं वो बैलेंस शीट में लिखते होंगे कि अकाउंट पेबल क्या है, अकाउंट रिसीवेबल क्या है, कहीं हाँ बिल्कुल, ना कहीं लिखते होंगे। ठीक है जी। हे, थैंक यू वेरी मच अरबाब, और आई एम वेरी ग्लैड, वेरी डिलाइटेड। यू आर अ सक्सेसफुल गाय, यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, यू आर वेल रिसर्च्ड, एंड आई हैव नो डाउट इन माई माइंड दैट यू विल डू वेल। आप बहुत तरक्की थैंक यू करोगे, और सर। इसके बाद आपको नौकरी भी बहुत ही हिसाब से, आपको अच्छी कैलिबर की नौकरी भी मिलेगी वैंकूवर एरिया में। तो यहाँ पर नौकरी की भी ज़्यादा कमी नहीं है, और इंशाल्लाह आपका नाम हम अखबारों में पढ़ेंगे, और काफ़ी आप आगे नाम कमाने वाले हो। थैंक यू सर। और मेरे भी कुछ क्वेश्चंस हैं सर, एक बोले दो बोले तीन स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस हैं। बोले बोले, मैं सुन रहा हूँ, बोले। और यहाँ पर जब वर्क परमिट लेने के लिए तकरीबन 2-3 महीने तो लगते हैं ना? अच्छा, जब मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ ऑलरेडी पार्ट टाइम पार्ट टाइम, जी, और फिर यहीं पर, लेकिन यहाँ पर यह है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वो मेरा जो हमारा इलाके का आदमी है जिससे मैं काम कर रहा हूँ, जिसके लिए उनके दो स्टोर्स हैं, लेकिन अगर मैं वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता हूँ तो जब मेरा वर्क परमिट आएगा उस दिन से मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा, या जिस दिन मैं अप्लाई करूंगा उस दिन से काउंट शुरू होगा? इसका मैं जवाब देता हूँ एक ही करके। तो जब भी आप, पहली बात तो आप होशियार बहुत हैं, आप पहले से तैयारी कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स हो ही होते हैं, उन्हें उनको पता नहीं होता कि टाइम हो गया, फिर ढूंढना शुरू करते हैं। आप अभी से ढूंढ रहे हैं, अभी से इंतजाम कर रहे हैं। आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर डूइंग दिस। तो आपको जब लेटर मिलता है आपके यूनिवर्सिटी से, रजिस्ट्रार से, कि आपकी रिक्वायरमेंट्स जी पूरी हो गई हैं, और उसकी भी चेकलिस्ट दे रखी है उनके वेबसाइट पे, आप जिस दिन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन को, पीजी वर्क परमिट की एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करें, और आपको उसी वक्त उसी दिन आपको फाइल नंबर इशू हो जाएगा। दो जी फाइल जी नंबर इशू हो गया, दैट मींस के योर फाइल इज इन प्रोसेस। आप उसी दिन से अपना फुल टाइम काम करना शुरू कर सकते हैं, और उसी दिन से आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाना शुरू हो जाएगा। समझ गए? ठीक जी सर है। जी। दूसरा दूसरा सवाल क्या है? और दूसरा सवाल यह है सर कि मैं आपकी सर्विसेज अवेल करना चाहूँगा फॉर माय वर्क किस परमिट। नहीं, वो उसका भी मैं जवाब देता हूँ। अरबाब, आप बड़े होशियार हैं, आपको मेरी ज़रूरत नहीं है और किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी एप्लीकेशन को आप अपने आप कर सकते हैं। अगर ये जैसे पीजी वर्क परमिट है, तो पीजी वर्क परमिट के लिए कोई भी, जैसे सरी, वैनकूवर, जितने भी वहाँ पर इमिग्रेशन की दुकानें, मंडी है वहाँ पर, पूरा सारे हैं। देयर मस्ट भी एटलीस्ट 500 होंगे कंसल्टेंट्स उस एरिया में। तो जी हर एक ने, आपको पता है यू आर अकाउंटेंट, हर एक का बिजनेस है, हर एक ने, किसी ने $500 या $1,000 तक चार्ज कर लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, इट विल हार्डली टेक 30 मिनट्स परहैप्स। तो आप ऐसा ना करें, आप पैसा बचाएं, उसी पैसे को लेकर कहीं आप अपनी RSP खोलें, कुछ और रिटायरमेंट करें, कुछ और करें, तो पैसे को बचाएं आप, और ये एप्लीकेशन अपने आप कर लें।
हाँ, अगर आपको एप्लीकेशन समझ में नहीं आ रही है कैसे करनी है, तो उसके बारे में फिर आप मेरे को अप्रोच कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा या डाउट्स क्लियर कर दूंगा, जैसे कि अभी डाउट्स कुछ क्लियर हो रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी कोई वो ऐसी कोई बहुत भारी एप्लीकेशन नहीं है जिसके लिए आपको किसी लॉयर से या कंसल्टेंट से करवाना पड़े। क्लियर है? जी ठीक है, जी सर, तीसरा सवाल मैं क्या है? आपको एक कंसल्टेंसी सेशन के लिए अप्रोच करूंगा क्योंकि मेरे कुछ डाउट्स हैं। वो कोई बात नहीं, वो आप कर सकते हैं। अगर हाँ, डाउट क्रिएट करने के लिए, डाउट क्रिएट नहीं, डाउट सॉल्व करने के लिए सॉल्व करना आप मेरे को आप ईमेल लिख सकते हैं, तो वो हम कर देंगे। ये मेरा काम है, मैं आपको कर दूंगा। लेकिन बड़ी बड़ी एप्लीकेशन होती हैं, जैसे इवन इन्वेस्टर एप्लीकेशन है, फैमिली स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन है, या एक्सप्रेस एंट्री है, PNP भी है, इसके लिए लोग मेरे को अप्रोच करते हैं। तो मैं इनको पहला मेरा अल्फाज ये होता है उनसे कि भाई थैंक यू वेरी मच, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। तो अगर उनको डाउट है, तो मैं उनको एक सेशन लेके उनको समझा सकता हूँ। आई कैन रन थ्रू द चेकलिस्ट एंड फॉर्म्स एंड यू नो आई कैन क्लेरिफाई सम डाउट्स, पर मेरा मेरा पहला जो एफर्ट है कि भाई आप अपने पैरों पे अपने आप खड़े हों। बाकी पैसा जी कमाना तो जी ठीक है, हम मैं तो इजीली कह सकता हूँ कि भाई पैसे मेरे को तो मैं करता हूँ, बट आई दैट्स नॉट माई स्टाइल। एनीवे, तीसरा जी सवाल क्या है आपका? जी तीसरा सवाल क्या है? यहाँ पर जो मेरा दोस्त है जिसके साथ मैं काम करता हूँ, उसकी दो स्टोर्स हैं, ये जी, जो कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं, तो ओके ओके ओके, जी एक्सपीरियंस तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है। वो मुझे मींस के पेस्टल्स भी देगा, अब भी दे रहा है, सब कुछ देगा, जी लेकिन एक जो इश्यू है वो ये है कि उसके पास लेटर हेड्स नहीं है। मैं आपको इशारा समझ गया। देखिए, मेरा मेरा जवाब सुने, बिल्कुल तसल्ली से सुने जवाब, ठीक है। जी होता यह है कि जितने भी सो कॉल दोस्त होते हैं ना, दोस्त और नेटवर्क में जाने पहचान वाले, वाकफियत वाले जो लोग होते हैं, वो कहते हैं जी हम आपकी हेल्प कर देंगे, वगैरह कर देंगे, उससे मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि वो एक फेवर के बेस पे आपको इधर उधर आपको हेल्प पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जो जॉब चाहिए है, वो चाहिए है आप जैसे जो शख्स हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है। आपको तो बड़ी बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स में जॉब मिल सकेगी, अर्नेस्ट एंड यंग, प्राइस वाटर हाउस, फलाने। अब मैं इतना अकाउंटेंट नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं, जैसे जो टॉप सिक्स के होते हैं, आपको कहीं ना कहीं वो जॉब मिल जाएगी, या फुल फ्लेज जो चार्टर्ड जो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट जिसको कहते हैं CPA है, आपको वैनकूवर वहां मिल जाएगी। आप किसी दोस्तों के चक्कर में ना जाए, मेरी आपसे गुजारिश है, आप एक प्रॉपर जॉब में जाए जहाँ पर ऑलरेडी 10-15 मुलाजिम काम कर रहे हों, वहां पर कई अकाउंटेंट्स हों, आपको नई चीज सीखने को भी मिलेगी, उनके पास लेटरेट भी होंगे, उनके पास जो कुछ चाहिए आपको सब होगा। अब प्रॉब्लम यह होती है, क्योंकि मैंने कई एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं कि छोटे मोटे दुकानों के, जहां पर चाहे तो उसके पास दो स्टोर भी हों, तो हो सकता है कि वहां पर उसका ऑपरेशन इतना ज्यादा ना हो क्योंकि फुल टाइम ऑडिटर को जस्टिफाई कर सके, फुल टाइम अकाउंटेंट को जस्टिफाई कर सके, फिर उसकी पेरोल कितनी है, कितनी तनख्वाह देनी है उसे, और कितने उसको मतलब उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कहाँ फिट हो रहा है वो, तो जॉब डिस्क्रिप्शन ड्यूटीज उससे मैच करेंगे करेंगे। ऐसे कई सवालात पैदा हो सकते हैं जो फ्यूचर के एप्लीकेशन के लिए आपके लिए परेशानी का बायस बन जाएंगे। तो इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन चक्करों में ना जाएं, आप जैसे लोग तो ना जाएं। अगर छोटे मोटे जैसे जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो धक्के खा सकते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों को जाना कतई एक जस्टिफाइड नहीं है। जी सर, और मैं अगर आपको जो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस के जो सर्टिफिकेट्स हैं जो मैंने लिए हैं ऑलरेडी, जहाँ पर सऊदी अरब में जो मैंने काम किया है, तो क्या आप मुझे उस पर कोई कमेंट दे सकते हैं कि जो मैं आपको अपना NOC बताऊं कि वो विल सर्व द पर्पस और नॉट। बोल, आप अब अभी तो इस वक्त तो हम देख नहीं सकते, आप मेरे को अलग से ईमेल कर देना, मैं देख लूंगा। देखिए मैं मोटा आपको मोटा ईमेल कर रहा हूँ। देखिए देखिए मोटा मोटा इस तरह है कि यू आर अ अकाउंटेंट, ठीक है। जी सर आप कुछ ना करें, आप रिसर्चर हैं, आप गूगल पे जाएं और गूगल पे जी टाइप करें NOC एज अ अकाउंटेंट, ठीक जी सर है। उसकी जो NOC के जो 4-डिजिट कोड आ जाएगा, तो जी जी उसको उसको आप उसको पढ़ेंगे, उसमें सारा लिखा हुआ है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसकी जॉब ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, इसकी कितनी वेजेस मिलने चाहिए, जैसे BC एरिया में उसके हिसाब से सब दिया होगा। और जो जॉब ड्यूटीज उसमें दी, ये सर्विस कैनेडा की वेबसाइट पे आएगा, तो उसकी जो जॉब ड्यूटीज हैं आप अपने सऊदी के जॉब ड्यूटी से मैच कर सकते हैं कि भाई ये काम जो मैंने किया था
ये इससे कम से कम 50% भी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं है तो जी वो देख के ही मैंने अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स बनवाए थे वहां से। अच्छा, वो देख कर ही बना लिया, ठीक है। फिर तो कोई चक्कर नहीं, फिर आप क्यों आप शक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप करें। तो मैं सिर्फ अपना एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाह रहा था उस पर, दैट्स इट। नहीं, वो फिर हम जब आप एक सेशन बुक करेंगे तो मैं देख लूंगा, पर इस वक्त आप उसके बारे में टेंशन ना करें। अभी अभी आपके आपके दिमाग में जो टेंशन, जो प्रोजेक्ट होना चाहिए, वो बहुत सिंपल है कि आप किसी अच्छी कंपनी में जहां पर कोई सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अच्छे तगड़े जो अकाउंटेंट बैठे हैं, उनके नीचे काम करना है आपको एज अ अकाउंटेंट, एज अ असिस्टेंट अकाउंटेंट या व्हाटएवर, इवन अकाउंटिंग टेक्नीशियन या अकाउंट असिस्टेंट, वी नेवर नो, मे बी डेफिनेटली दैट इज आल्सो अ बी क्लास जॉब। तो उसमें आप काम करें, उसमें आप एक साल काम करेंगे, तब आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के पीआर के लिए पॉइंट्स भी जुड़ेंगे, और हो सकता है कि उसी कंपनी ने आपको बीसी पीएनपी के लिए भी आपको सपोर्ट कर देना है, इट इज वेरी लाइकली। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप अगले साल मेरे से जब बात करेंगे तो आप ऑलरेडी पीआर बन चुके होंगे, इसमें मेरे को कोई शक नहीं है। जी थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू अरबाब, एंजॉय योर टाइम इन वैंकूवर। अगर आपको गर्मी पसंद है तो आ जाए इंडिया पाकिस्तान, गर्मी बहुत अच्छी है। I am planning to go, inshallah. मैं ब्रेक लेके एक दो महीनों के लिए घर जा रहा हूँ, let's see. ठीक है, thank you thank you sir, thank you very much sir, good luck, Allah Hafiz. Allah Hafiz.